सुबह वाला मतलब ताज्जुब वाला काम किया है कि वो सोता रहा है, नहीं तो वो कभी भी सो। ये हमारा जो है गैस का पाइप है, तो ये यहाँ से ना ऐसे जब इसमें लगा हुआ था, मैं हेलो एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल ट्विंकल फैमिली चैनल। से कैसे हैं आप सब, उम्मीद करते हो अच्छे होंगे। तो यहाँ पे गैस ख़त्म हो गया था, मेरे को इमरजेंसी में ही सारे काम जो है इंडक्शन पे करने पड़े। बस मेरा पास ना जो कुकर है वो इंडक्शन वाला नहीं था, लेकिन कढ़ाई है, तो जब तक गैस थी तब तक बॉयल वॉयल हो गए आलू वालू, तो आलू ना ज़्यादा बॉयल ठीक से हो नहीं पाए, थोड़े से वैसे रह गए थे। तो इंडक्शन में मैंने कुछ इस तरीके से बना दिए, मतलब थोड़े देर होने दिए ताकि जो हल्का सा कच्चापन है वो भी निकल जाए। तो बस इंडक्शन पे ही सब्ज़ी बनाई है मैंने आज, खाना ऑलमोस्ट पूरा ही इंडक्शन पे ही बनाया, सिर्फ गैस लगने का। तो चावल जो है इंडक्शन बने, और बस यहाँ पे ये देखिए इस तरीके से बना दिया। इंडक्शन के भी बर्तन होने चाहिए। तो यहाँ पर मैं जो है अपना सैटरडे को ऑयल डालना जो सर में बंद करती हूँ। मैं क्या करती हूँ, संडे को मॉर्निंग में ही जो ऑयलिंग है वो अपने सर पे, मतलब ऑयलिंग सर पे क्या बोल रही हूँ मैं, ऑयलिंग को जो है मैं संडे को सुबह में जो है 2 घंटे पहले कर लेती हूँ। उसके बाद जो भी अपना काम करना होता है तो वो करती हूँ मैं, मतलब करती तो बहुत सारी चीज़ें जैसे एक्सरसाइज वगैरह ये सब भी करती हूँ, पर मैं दिखाती नहीं हूँ। मैं दिखाना अब तो मैं बिल्कुल ही नहीं चाहती हूँ दिखाना, वरना फिर कहेंगे कुछ लोग कि तुमने वहाँ कॉपी कर लिया, तुमने ये कॉपी कर लिया, तुमने ऐसा कर लिया, तुमने वैसा कर लिया। इसलिए मैं बस दिखाती नहीं हूँ, करती हूँ मैं बहुत कुछ हूँ, और जितना दिखाना चाहिए बस उतना ही दिखाती हूँ। सच बताऊँ तो कहते हैं ना, एक कुछ चीज़ें नहीं दिखाओ तो ही ज़्यादा बेटर है, तो इसलिए मैं नहीं दिखाती हूँ। यहाँ पे ऑयलिंग कर ली, बस हो गई ऑयलिंग फटाफट से, अब उसके बाद सीधा मिलती हूँ नहाने के बाद मैं आप लोगों से। गाइस गुड मॉर्निंग, हेयर ऑयलिंग के बाद में मैं नहाने चली गई थी, मतलब काम वाम करके अपना 2 घंटे समथिंग मैंने हेयर ऑयल अपने सर में रहने दिया, उसके बाद नहाने चली गई। नहाने के बाद में मैंने जो है पूजा वूजा की है, जैसे देख सकते हैं आपको दिखाते हैं पूजा की है। ये इसलिए बंद करते हैं, हवा आज बहुत प्यारी हो रही है, वेदर इतना औसम हो रहा है ना सुबह का कि मेरा मन कर रहा है घूमने चले जाऊँ कहीं, बट एज़ यूजल नहीं जा सकते हैं। तो जस्ट अभी मैं ना जाऊँगी, अब देखते हैं इनको सबको उठाऊँगी, सब सो रहे हैं। आज तो हनी भी संडे मना रहा है, शुक्र है, नहीं तो मेरे को करने नहीं था, क्योंकि आज मेरे को पूरा मतलब हेयर वॉश भी करना था, बाथरूम भी क्लीन करना था, तो सब करके ऐसे करती हूँ। मैं वीक में एक टाइम ही हेयर वॉश करती हूँ, बहुत रेयर होता है जब मैं बीच में वीक में 2 बार कर लूँ, क्योंकि मेरे को टाइम नहीं इतना होता, और प्लस है ना जो अपना वॉशरूम है उसी दिन क्लीन करके हेयर वॉश कर लेती हूँ। तो बस ये सब हो गया है, और एक प्रॉब्लम दिखाती हूँ कि किचन में हुआ ये था कि ये हमारा गैस का पाइप है, मैं बैक कैमरे से दिखाती हूँ। ये हमारा जो है गैस का पाइप है, तो ये यहाँ से ना ऐसे जब इसमें लगा हुआ था, मैं चटक रहा था जिस जगहों से, बहुत ज़्यादा ये हार्ड है, ठीक है। इसके अंदर में ना ये आप देख सकते हो, दिख रहे होगा ये, तो ये जो है लोहा या जो भी है तार वार बहुत ज़्यादा वैसा है। तो ये कल जब मैं सब्ज़ी बना रही थी तो करके आवाज़ आ रही थी इसमें से, तो ये जगह से दिखी जैसे ये चटक गया यहाँ से, है ना। एक मिनट, ये लाइट की वजह से फोकस नहीं ले रहा, तो दिखाती हूँ एक मिनट, अब फोकस ले लेगा शायद। तो ये यहाँ से ये चटक गया था, तो ये वाला हिस्सा जो है देख रहे हैं आप, तो इस वाले हिस्से से ये बहुत ज़्यादा आवाज़ आ रही थी। फिर हमने सोचा इसको यहाँ से काट के दोबारा लगा देंगे, फिर यहाँ से काटा के कट जाए कहीं से, तो पर ये कट नहीं रहा, बिकॉज इसमें ये अंदर में लोहा जैसा जो है बना हुआ, बहुत ज़्यादा भयंकर वाला हार्ड है ये वाला पाइप, तो ये नहीं हो रहा है। और बस कल ये समझ लो शुक्र है ऊपर वाले का, जो हम बच गए। मैं सब्ज़ी बना रही थी उसको ऑफ कर करके, मतलब बना दिया सब्ज़ी और ऑफ कर दिया, गैस भी जो है पूरा नहीं आ रहा था, ये प्रॉब्लम हुआ है। तो अब इनको उठाऊंगी, बोलूंगी इसको सही कराओ, वरना खाना पीना सब ऐसे ही रखा रह जाएगा। और मेरे को नॉनस्टिक वाला है ना, नॉनस्टिक कह रही हूँ, इंडक्शन पे चलने वाला या तो स्टील का या ऐसा कुकर लेके आना है, छोटा सा, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा सा लेके आऊँगी, ताकि मैं उसमें बना लिया करूँ, जैसे इमरजेंसी है, जैसे कि आज और कुकर मेरा चलता नहीं है,
और ये समझ लो कल बाल बाल बचे हैं, मतलब एकदम से आवाज़ आ रही है। स्मेल मुझे काफ़ी दिन से आ रही थी, थोड़ी 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 थोड़ी, पर इनमें से किसी को नहीं लग रही थी। मतलब मैंने टैनिक पापा को बोली, उन्हें कह रहा नहीं नहीं मेरे को नहीं लग रही है, बट फिर मैंने कल जब देखा ऐसे आवाज़ आ रही थी। कल एक ब्लास्ट हो सकता था, कुछ भी हो सकता था, भगवान जी की बस कृपा थी जो हम बच गए बाल बाल, नहीं तो कुछ भी हो सकता था, है ना। और देखो मौसम को ना मैंने नज़र लगा दी है तो धूप निकल आई, देखो कितनी तेज निकली है ये देखो, मतलब मेरी जबान कितनी ही काली है, कितनी काली अभी बोला, और अजीब सी निकल रही है, बहुत अजीब सी निकली है, इतनी काली जबान है मेरी कि बोलते ही धूप निकल रही। सो बस यही है, और देखते हैं अब क्या करते हैं, वो क्या होता है, ठीक होता है या नया पाइप लाना पड़ेगा, जो भी है। चलो मैं हेयर अपना सुखा लेती हूँ और अपना थोड़ा सा रेडी होके फिर आप लोगों से मिलती हूँ, ठीक। सो नाउ आई एम रेडी, हल्का सा मेकअप किया है, हनी जग गया है, आज हनी ने ना बड़ा मतलब वो किया है, क्या बोलते हैं, एक अजूबा वाला मतलब ताज्जुब वाला काम किया है कि वो सोता रहा है, नहीं तो वो कभी भी सोता नहीं है इतनी देर तक, और आज सोता रहा है 9 बजे तक। अब जाके मैंने उठाया, तब जाके उठा, मैंने उससे पूछा बेटा संडे बना रहा था, तो मैं रेडी हो गई हूँ, हल्का सा न्यूड वाला, मतलब न्यूड नहीं है, ब्राउनिश शेड है, लाइट वन जी बीती आ गई है। कम हनी कम नहीं आओगे? तो बस बाल बाल सूख जाए, हल्के से इनको कॉम कर लेती हूँ और भागती हूँ सीधा किचन में। सो यहाँ से ना धूप आ रही थी तो मैं फोटोज ले रही थी, मैंने सनशाइन वाले एक फोटोज ले ले रहे, अच्छे लग रहे हैं। आ गया, बस शैतानी चालू, मॉर्निंग होते ही इसकी शैतानी चालू है। बेटी नीचे में बेटी नीचे में बेटी नीचे में बेटी ये यार इसमें क्या होगा, बाय बाय कर, बाय से बाय भागा। तो यहाँ पे मॉर्निंग का टाइम है, जैसे कि मैंने आपको बताया, नहा धोने के बाद अब हो गई नाश्ते की तैयारी। तो नाश्ते में मैं यहाँ पे आज बनाने जा रही हूँ उपमा नॉट उत्पम। तो यहाँ पे पहले हम सूजी लेंगे। अच्छा ये ना पैकेट आए थे गणेश का, माटा लेते हैं उसके साथ ना फ्री आते हैं गणेश के छोटे छोटे सूजी के 100-100 ग्राम के पैकेट। तो लिटरली इस तरह ये छोटे वाले पैकेट से ना मेरा ये हो जाता है कि हम 4 लोग हैं, मतलब हनी टैन मतलब 2 बच्चे और हम चारों का इसमें बहुत इनफ है, मतलब हो जाता है पूरा। तो यहाँ पे सूजी अच्छे से मैंने भून ली है, वाइट लाइट की वजह से आपको नहीं दिख रही है बट अच्छे से भून गई है। और उसके बाद में यहाँ पे मैंने घी डाला है, देसी घी में ही सूजी भूनी है, उसके बाद फिर से और डाला है। एंड अब यहाँ पे मूंगफलियों को जो है फ्राई कर लूँगी मैं, और ये मूंगफलियों के भी 2 तरीके के, एक छोटा आता है एक बड़ा वाला आता है, बड़ा वाला जल्दी नहीं होता है, छोटा वाला जो है बहुत जल्दी होता है। तो पहले ये मूंगफलियाँ होने के बाद मैं यहाँ पे मैंने मस्टर्ड सीड्स डाल दिया है एंड उसमें ये मिर्ची डाल दी। अच्छा गाजर हो आपके पास अगर आपको डालना हो तो, या आपको है ना प्याज डालनी हो तो, ये सब छोड़ के मैंने सिर्फ टमाटर लिए हैं और हरी मिर्च जो है वो क्या है, बहुत सारे लोग अदरक लहसुन ये सब भी डालते हैं, अदरक भी डालते हैं, प्याज भी डालते हैं, गाजर भी डालते हैं और बहुत सारी चीज़ें जो डालते हैं। तो बस टमाटर होने के बाद पानी डाल दिया, उसके बाद सूजी डाल दिया, अब इसको बॉयल होने देंगे और साथ ही साथ में इसमें आपको नमक अभी डाल देना है अपने अंदाजे से, कि ज़्यादा खाते तो ज़्यादा, कम खाते तो कम। एंड ऊपर से अगर आपको ना रतलामी सेब जो आते हैं नमकीन वाले वो डाल के खाओ, बहुत टेस्टी लगता है। यहाँ पे अवेलेबल नहीं है बट बहुत टेस्टी लगता है आपका उपमा जो है ऐसे। तो बस यही सारी चीज़ें मैंने इसमें डाली थी, और ये होने के बाद मूंगफली भी डाल दूंगी, साथ ही साथ में नींबू भी डाल दूंगी, तो अच्छे से मिक्स होके ये होके अच्छे से हो जाएगा, खदक जाएगा अच्छे से। ये देखिए, तो मेरे को मतलब ये मैं मीठे से पहले मैं मीठा ज़्यादा खाती थी, मीठा हलवा हो गया, मिठाइयाँ हो गया, बहुत खाती थी। लेकिन लाइफ में हर इंसान का ना कभी टेस्ट बदलता ही बदलता है, ये लाइफ है, कुछ भी हो सकता है ना। तो ये उत्पम बन के हमारा तैयार है और बस अब आ गई है यहाँ पे। तो भाई संडे था, जैसे कि मैंने स्टार्टिंग में बताया कि संडे है, हेयर वॉश किया, तो संडे था तो संडे को अब उठ के और संडे जैसा फील ना करो तो संडे संडे नहीं लगता है ना। तो यहाँ पे मैंने कहा चलो आज एक्चुअली गैस का ये हुआ, गैस के पाइप का इशू हुआ, इस वजह से
मैंने सोचा, मैंने कहा चलो आज खिचड़ी बना लेते, तो आज मैंने ना दाल खिचड़ी बनाई थी। वैसे दाल खिचड़ी अलग अलग तरीक़ों से बनती है, बहुत सारे लोग दाल खिचड़ी एक सिंगल दाल से भी बनाते हैं, बहुत सारे लोग दाल को भून के उसके बाद बनाते हैं, तो बहुत डिफरेंट डिफरेंट टाइप से बनती है। तो हमने यहाँ पे क्या किया, रिफाइंड ऑयल ले लिया है, मतलब सोयाबीन ऑयल ले लिया है, देन उसके बाद उसमें मस्टर्ड सीड्स डाले हैं, जीरा डाला है, हींग डाल दिया, और यहाँ पे हमने ये दो हरी एक हरी मिर्ची को तोड़ के बीच में से डाल दिया है। बड़ी मिर्ची मैं इसलिए ऐसे डालती हूँ तोड़ के, ताकि अगर खाने में आए तो बच्चे निकाल दें, क्योंकि तीखापन तो रहता है कितना भी बॉयल हो जाए, कुछ भी हो जाए। प्याज डाल दिया है बारीक से, टमाटर डाल दिए हैं बारीक से, बहुत ही बारीक चॉप किए थे चॉपर से मैंने। हाथ से सच बताऊँ तो मेरे से नहीं होता प्याज वगैरह बिल्कुल भी चॉप नहीं होता, मेरे को आता ही नहीं है करना है प्याज बारीक बारीक, बहुत टाइम लग जाता है करूँगी भी तो। अच्छा, ये मेरे पास मटर रखी थी, हरी मटर्स को मैं क्या करती हूँ कि जब सर्दियाँ आती हैं तो छील के एक्स्ट्रा रख लेती हूँ और उसको डब्बे में भर के छोड़ देती हूँ, तो जब मेरे को ज़रूरत होती है तब निकाला और डाल देती हूँ, जब वो वापस से पानी में जाती हैं तो फूल जाती हैं, तो इस तरीके से हरी मटर जो हमारी चल जाती है। तो बस मटर डाल दी, उसके बाद नमक डाल दिया, सब्जियों को अच्छे से पकाएंगे, नमक पूरा नहीं डाला है, आधा डाला है, और यहाँ पे होने के बाद ये दालें डाल, दाल और चावल मैंने भिगो के रखे थे, अब इसमें बताती हूँ कौन सी दाल और कौन सी नहीं है। मतलब इसमें है चावल, अरहर दाल और लाल मसूर दाल, मूंग दाल, और इसमें आपको मिलेगी छिलका वाली मूंग नहीं है, सादा वाली मूंग है, और एक हाँ एक चना दाल। तो ये सब दालें डाल के मैंने इसमें बनाया है आज, तो इतना अच्छा इसमें, मतलब इतनी सारी दालें और चावल आपको साथ में मिल रहा है तो बहुत ही टेस्टी लगती है। रेस्टोरेंट में जाएंगे तो ना बहुत सारे लोग ऑर्डर करके मंगाते हैं, मैंने देखा तो सेम ऑलमोस्ट ऐसी आती है, पर लोग क्यों पसंद करते हैं यार, घर पे भी तो आप इजीली बना सकते हो, इतनी अच्छी इतनी टेस्टी बनती है यार, बहुत टेस्टी लगती है। नॉर्मली जब ये सीटी आ जाएंगी कुकर में, उसके बाद मैं आपको है ना बस नॉर्मली पापड़ खा लो, चटनी अचार के साथ में आप इसको खाओ, बहुत टेस्टी लगती है, एक बार ये ट्राई ज़रूर करना इसको रेसिपी को, बहुत बहुत अच्छी लगती है, सिंपल सी होती है, और धनिया भी मैंने साथ ही डाल दिया था, क्योंकि बॉयल ऊपर से डालती ना तो ज़्यादा अच्छा रहता है वैसे, पर मैंने इसके साथ भी डाला तो भी अच्छा ही लग रहा था, लेकिन ये बच्चे जो है वो नहीं खाते, इस वजह से मैंने सोचा, मैंने कहा इसको मैं जो है ऐसे ही डाल देती हूँ। उसके बाद क्या था, बस सीधा किचन में ये रह गया था, हमारी तैयारी चल रही थी संडे को बेस्ट बनाने की, तो खिचड़ी बनाई है तो पापड़ तो सेकने पड़ेंगे ना, तो यहाँ पे बस पापड़ सेक रही थी, और सेकते सेकते बस देख सकते हैं आप लोग, बहुत दो तीन तरह के पापड़ सेके थे, एक तो नॉर्मल जो पापड़ होता है उसको सेका था, और जो चावल के होती है वो छोटी छोटी वो भी सेकी थी, दो तीन मतलब दो तीन तरह के अलग अलग तरीके से मैं सेके, मैं दिखा रही हूँ आपको, ये देखिए जी चावल वाली भी सेकी है, ये भी बहुत टेस्टी लगती है खाने में, मतलब इनका टेस्ट वो एकदम ही डिफरेंट टाइप होता है। सो बस, और हाँ, आप लोग अपने संडे पे क्या करते हो, कैसे सेलिब्रेट करते हो, मतलब वैसे तो नहीं होता ऐसा कोई खास दिन संडे, और औरतों के लिए तो कभी नहीं होता है देखा जाए तो, क्योंकि औरत क्या संडे क्या मंडे हर दिन, और इतना करने के बाद भी ना औरतों को हमेशा सुनने ही मिलता है चाहे कितना भी कर लेना। तो ये आज का हमारा जो है लंच तैयार है, तो यहाँ पे सैलेड में है हमारा ककम्बर एंड अनियन, और साथ में है चिप्स बहुत सारे, पापड़ और ये सब, और यहाँ पे हमारी खिचड़ी बन रही है, अभी दिखाती हूँ मैं आपको, ये सीटी पे सीटी मार रहा है कुकर हमारा, और सीटी जैसी निकलती है उसके बाद मैं दिखाती हूँ कैसे तैयार हुई है। तो ये देखिए हमारा लंच तैयार, तो इस वीडियो को मैं यहीं एंड कर देती हूँ, मिलते हैं अगली वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, टेक केयर, लव यू ऑल, और वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब किया।